तो गाइस आज तो कुछ ज्यादा ही ठंड पड़ रही है यार। एक कंबल ओढ़ के बैठे हैं और साथ में ये गर्म पानी की बोतल। इतनी ठंड पड़ रही है तभी जाकर गेम खेल रहा हूँ। और सुबह होते ही हमारे नाश्ता दही मूली के परांठे और अचार साथ में, और साथ में अमेजिंग व्यू। गाइस खाना खाने के बाद मैं ये यहाँ पर साथ वाले घर के अंदर आ चुका हूँ और अपडेट्स बहुत सारे हैं यहाँ पर, तो मैं चलो एक एक करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आती हैं हमारे भैया की अलमारियाँ जो कि ऑलरेडी लग चुकी हैं, एकदम मस्त लग रहे हैं यार। और ये उनके छोटे साइड कैबिनेट्स भी लग चुके हैं और आई बिलीव उनकी दीवार भी पूरी पेंट हो चुकी है। सिर्फ ये वाली दीवार जो देख रहे हैं उसके ऊपर लगना है वॉलपेपर। और ये रहा हमारा छोटा सा एक बॉक्स रूम, इसके अंदर भी आपने अलमारियाँ ऑलरेडी देख रही होगी, तो यहाँ पर भी अलमारियाँ एकदम से सेट हो चुकी हैं। और अभी आती है मेरे कमरे की बारी। थरा, अरे यार मेरे को एक ही टेबल देकर रखा है, दूसरा कहाँ है? बट एनीवेज गाइस, ये रहा मेरा रूम एकदम झकास। और ये रही मेरी रूम की अलमारियाँ, बहुत मस्त लग रही है मेरे को ऑलरेडी। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक और छोटा बॉक्स रूम जो कि हमने डिसाइड नहीं किया इसमें क्या होगा। तो यार ये रूम कुछ ज़्यादा ही छोटा है यार, अभी तक तो यहाँ पर अभी काम चलने वाला। आई थिंक इस रूम की अलमारियाँ जो है यहाँ पर लगने वाली हैं, अराउंड अभी श्योर नहीं हूँ लेकिन आई बिलीव यहीं पर लगेंगी। और ये देखो देसी काम, मतलब ये पूरा फट्टा इस छोटे से हैंडल ने पकड़ कर रखा हुआ है, ये देसी काम होते हैं। तो वैसे गाइस साथ वाले घर में कुछ और चीजें भी है दिखाने के लिए। फॉर एग्जांपल किचन में हमारा काम जो है शुरू हो चुका है, वहां पर जो कैबिनेट्स जो लगाते हैं ना दीवार के ऊपर वो सारी लगाने उन्होंने शुरू कर दी है। और फ्रिज, माइक्रोवेव, गैस, ओवन ये सारा आ चुका है, तो ये भी दिखाने के लिए था। बट ऑलरेडी कुछ बिल्डर्स वहां पर काम कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि यार उनको डिस्टर्ब नहीं करते, वो बोलेंगे भाई इसका रोज का ये रोज कैमरा चक्के आ जाता है, तो मैंने सोचा कि चलो उसको डिस्टर्ब नहीं करते। अभी गाइस मैं जा रहा हूँ एप्पल स्टोर। आपको तो पता है पिछले कुछ दिन से मैंने जो नई आईफोन है वो लेकर रखी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैंने अभी तक उसकी अनबॉक्सिंग नहीं की क्योंकि मुझे सबसे पहले खरीदना है कवर और खरीदना है स्क्रीन प्रोटेक्टर। स्क्रीन प्रोटेक्टर आ चुका है लेकिन कवर जो है मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा, तो अभी मैंने फाइनली डिसाइड किया है कि मैं एप्पल का कवर ट्राई करूंगा। तो यह तो मैं डायरेक्टली स्टोर जा रहा हूं क्योंकि मुझे अभी और वेट नहीं करना, अगर मैं ऑनलाइन से मंगाता हूं तो 3-4 दिन मुझे वेट करना पड़ेगा। अभी मैंने सोचा कि क्यों ना एप्पल स्टोर जाया जाए और डायरेक्टली वहां से लेके आते हैं। और यह अभी वहीं पर जा रहे हैं। तो गाड़ी मेरे को थोड़ी बहुत दूर पार्क करनी पड़ेगी क्योंकि यार जहाँ पे जाना होता है वो रोड हमेशा ब्लॉक होता है। और ये रही गाइस पेमेंट मशीन। ओके सो यूज़ कैसे करते हैं? ऑलराइट, इंग्लिश पहले प्राइस चेक कर ले। एक घंटा भाई साहब, 2 घंटे का 1 पाउंड। चल गाड़ी का नंबर डाल, कौन सा टैरिफ लेना है यार मेरे को समझ नहीं आती। ब्रीन टैरिफ ओके, आई थिंक 1.5 घंटा काफ़ी होगा ना, तो कवर ही लेना। मैंने कौन सा यहाँ पर जहाज लेना है? जीवन रसीद नो, ये तो चाहिए। यस था, तो अभी मेरी पार्किंग टिकट यहाँ से निकलनी चाहिए। दे दे अब थरा। तो गाइस ये टिकट हमने गाड़ी के ऊपर लगानी है, इसको ये लगानी है गाइस हमने यहाँ पर। तो गाइस अब मेरे पीछे बंदा देख रहा है ना, ये वाला, तो ये बंदा हर एक गाड़ी पर जाकर टिकट चेक कर रहा है, तो जिसकी टिकट खत्म हो रही है ना उसके ऊपर 60 पाउंड पेनल्टी लगा रहा है। तो जो टिकट मैंने गाड़ी के ऊपर अभी लगाई है ना, तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमें जहाँ भी हो तो 1 घंटे के अंदर वापस आना है, या तो गाड़ी लेकर जानी है या तो टिकट एक्सटेंड करनी है। भाई साहब यहाँ पर तो बिल्कुल पार्टियाँ चल रही हैं यार, मैं तो सारा दिन घर में बैठ के माइनक्राफ्ट खेलता रहता हूँ और यहाँ पर देखो वो तेरी ऊँचे लेवल की पार्टियाँ चल रही हैं यहाँ पर। तो देसी चप्पल का व्लॉग अभी तक नहीं आया यार। इसके जूते देख लो, तेरे को भी जूते लेने चाहिए, मेरी चप्पल छोड़ दू। ऑब्वियसली ये कार्डिफ बड़ा शहर है तो यहाँ पर भी क्रिसमस की डेकोरेशन ऑलरेडी हो रही है। तो यह और ऊपर आगे जाकर देखे तो इन्होंने बहुत बड़ा मस्त वाला ट्री भी लगा कर रखा है। मैंने उसे गलती से उसके बैग को लात मार दिया लड़की की। एक बहुत ही बड़ा क्रिसमस का ट्री, 1 लाख तो बनता है यार। अगर आपको क्रिसमस का व्लॉग चाहिए तो 1 लाख तो बनता है। तो अभी गाइस मैं एप्पल के स्टोर आ चुका हूँ और यहाँ पर ऑलरेडी फ़ोन वगैरह पड़ी हुई हैं। तो ये है मेरी फ़ोन जो मुझे अभी अनबॉक्स करनी है, और एक कवर लेने के लिए भी मुझे यहाँ पर लाइन में खड़ा होने के लिए बोल कर रखा है इन लोगों ने। बट एनीवेज जो बोलते हैं वैसा करना पड़ेगा। तो गाइस पूरा काम एप्पल स्टोर का जो था ख़त्म हो चुका है। मुझे लगा था कि कलर को सिलेक्ट करना इतने सारे कलर्स में से इतना हार्ड नहीं होगा, पर ऑनेस्टली अगर आपके पास फ़ोन है
आई थिंक फोन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही है और वो है कवर स्लट करना। ओके ऑलराइट, तो ऑब्वियसली लेदर कवर में से इतने ऑप्शन नहीं है, सिर्फ 3-4 ऑप्शन है। मैंने एक ऑप्शन स्लट किया है और वो वाइट नहीं है, तो ये मैं आपको घर जाके बताऊंगा क्योंकि मेरे को वीडियो लंबी करनी होती है। मेरी छोटी नीस जूते रिफंड करने गई थी, और छोटी लाइक टॉयनी, इतनी छोटी भी नहीं है, जूते रिफंड करने गई थी, तो जूते वालों ने रिफंड किए, पैसे भी दिए और साथ में फ्री स्प्रे एक्सचेंज एक्सचेंज किया। ओके मेरे को लगा मैं पागल, ऑलराइट समझ गया, काट दे, बोल ऐसे ही बोल रहे हैं, जगह मैंने काट देनी है। प्रॉब्लम ये है कि 5 सेकंड के लिए भी बाहर जाओ ना, 5 सेकंड के लिए, और रास्ते में मैकडॉनल्ड्स आ गया तो भाई मैकडॉनल्ड लेना इनको, 2 गलियां छोड़ के घर आता है, लेकिन फिर भी खर्चा करवाना है। ये देखो मामा, एक बर्गर चाहिए मेरे को, एक कितने ऑर्डर कर रही है, पागल है, 15 बर्गर कौन खाएगा। मैकडॉनल्ड्स में जाने के भी देसी टोटके हैं हमारे, हमने देखा कि यहाँ पर बहुत सारी लाइन लगी हुई है गाड़ी में जाने के लिए, तो अगर गाड़ी में जाएंगे ना तो एटलीस्ट 1/2 घंटा हमें यहाँ पर ट्रैफिक में वेट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने गाड़ी भी खड़ी करी है लाइन के अंदर, और एक बंदा अंदर से ऑर्डर करके भी लेके आया है। तो ये देसी टोटके, कितने बर्गर मंगा लिए, मेरे को एक ही चाहिए, एक एक ऑलरेडी खा रही है और 2 यहाँ पे पड़े हुए हैं, और ये मेरा एक, भुखेड़े लोग हैं यार। फाइनली सारे काम खत्म हो चुके हैं और अब भी आराम से बैठते हैं सोफे। शिट यार, एक काम रह गया यार, काम खत्म ही नहीं होते कभी यार। चलिए काम करते हैं रेडी, कपड़े वगैरह चेंज करने से पहले जो एक काम रहता है वो भी फिनिश कर लेते हैं, और फिर आराम से आके चाय बना के चिल मारते हैं। अभी गाइस मैं जा रहा हूँ अपने दूसरे घर, जहाँ पर आपको याद होगा कि मैंने हेडफोन लिए थे रेजर के, चुप कर ले, तो रेजर के, अरे मस्त वाला सॉन्ग था, ओ ये तो अभी मैं बताता हूँ कि हमारे एयरफोन की प्रॉब्लम क्या है। देखो तो जैसे ही मैं इसको पहनता हूँ ना गाइस, ये देखो, ओ आवाज आ रही ना आपको, तो जरा सा सर हिलाया ना ऐसे तो डिसकनेक्शन की आवाज आती है। अभी देखता, अभी देखता, रेडी हो जाओ। डिस्कॉर्ड चाहिए, सब्सक्राइब किया, लाइक किया। और ये वाले हेडफोन गाइस आपको पता है कि बहुत टाइम पहले मेरे को मिले थे, लेकिन मैंने कभी एक्सचेंज नहीं किए, क्योंकि ये जो इनकी जो कंफर्ट है ना, मेरे को और कहीं नहीं मिल रही, और 2 बारी मैं इसकी तार भी चेंज कर चुका हूं, तो इससे कुछ टोटका जमा नहीं, लेकिन आज मुझे मजबूरन नए वाले खोलने पड़ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जब भी मैं सर वगैरह ऐसे घुमाता हूं, तो ये साउंड एग्जैक्टली वीडियो में रिकॉर्ड हो रही है, बहुत अनोइंग है, तो मुझे बार बार वीडियो में जाके ये जगह काटनी पड़ती है, तो एक हिसाब से एक्स्ट्रा वर्क मेरे लिए हो रहा है। और ये रहे मेरे नए हेडफोन्स, ये पुराने वाले हेडफोन्स को नए बना के एक और वीडियो मैंने बना ली देसी टोट के, ये आपको पता नहीं था। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि ये हेडफोन एटलीस्ट 15-20 साल तो चलेंगे ही चलेंगे, अगर नहीं चले तो भाई मुझको कोई इलाज पता नहीं है। ऑलराइट तो गाइस ये हमारे नए हेडफोन्स है, इसके अंदर माइक भी लगा, तो ऐसे मैं माइक को ऐसे घसीट सकता हूँ तो बाहर भी आ सकता है ऐसे वगैरह करके, समझ गए आप यार, समझ गए। और ये मेरे को अगर सच्ची बात बताऊं तो मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं आया यार। तो यार आप मेरे को कुछ हेडफोन्स रेकमेंड करो कमेंट सेक्शन में, तो मैं वो जाके लूंगा, क्योंकि आई डोंट लाइक देम, आई रियली डोंट लाइक देम। तो चलिए गाइस इस छोटे से व्लॉग में इतना काफी है, नेक्स्ट वाले व्लॉग में मैं डेफिनेटली अपनी आईफोन अनबॉक्स करूंगा, प्लानिंग यही थी कि इसी व्लॉग में करना है, लेकिन आप बहुत रात हो चुकी है और ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, और ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे भूख भी बहुत ज्यादा लगी है, ऑब्वियसली मैं 3-4 बर्गर खा चुका हूं, लेकिन फिर भी घर का खाना घर का खाना है। तो चलिए गाइस मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।